प्रकार ये वीरों की भूमि है। हम हर किले पर चढ़ते हैं तो वहाँ शहीदों की मूर्ति दर्शन करने को मिलती है, तो आप इन वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेरगढ़ की धरा के बारे में। शेरगढ़ की धरा निश्चित रूप से बहुत ही पावन धरा है, जहाँ पे भैरव सिंह जी जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया। भैरव सिंह जी 71 वार के दौरान लोंगोवाला पोस्ट का जो बैटल हुआ था उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ये अपना सब कुछ भूल के दुश्मन से लड़ते रहे जब तक कि दुश्मन वापस भाग नहीं गया। इनसे इसे बच्चे हैं या सभी यूनिफॉर्म फोर्सेस है, ये बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इनका काम जो देश के लिए था वो अतुलनीय था, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। थैंक यू सर। इस उम्र में भैरव सिंह जी का स्वर्गवास हुआ है, लेकिन सबकी भावना उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनके गांव वालों के साथ में। भैरव सिंह जी ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत पहले स्वर्गवास हो गया, और भैरव सिंह जी के लड़के हैं वो उसके पेंशन के भी पात्र नहीं होते, इसलिए मेरी भारत सरकार से ये अपेक्षा रहेगी कि इनके सुपुत्र को वो नौकरी की व्यवस्था करें जिससे इनके परिवार का पालन हो सके। एक सर, हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की, तो जो इनको सेना मेडल मिला है, जो आर्मी के सोल्जर को सेना मेडल का बेनिफिट मिलता है, ये बीएसएफ में थे तो इनको वो बेनिफिट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं ये भी एक सोचनीय विषय है। नहीं, ये इसमें पूरा मुझे नियमों का ज्ञान नहीं है, पर ये बात तो जरूर हमने मीडिया में पढ़ी है कि ये मांग चल रही है, पर ये विषय आया है तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की तो ये चीज़ हमारे सामने आई, तो ये भी क्योंकि वो एक वीर योद्धा रहे हैं और शौर्य चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड आम नागरिक को भी दिए जाते हैं, और ये तो एक सेना की टुकड़ी का अंग रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री हो चाहे मिलिट्री हो। बात वाजिब है, पर ये विषय आया तो जरूर मैं इस विषय को आगे तक केंद्र सरकार तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद जी। कॉपी करते ही लारूं यार वीडियो, तो करो
ले लो तो है।